तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 2:56 है और 12 तारीख है आज की तारीख के अंदर, और मंगलवार का दिन है। तो मार्केट में सोमवार को ही मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को बता दिया था, यानी जो ग्रुप में होते हैं ना, जैसे ये माइंड पावर कॉन्सेप्ट है, पहले तो बता दूँ यहाँ पर सभी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो अपडेट स्टॉक मार्केट की, जैसे मैंने कहा है कि इस ब्रह्मांड का सिर्फ जरा सा हिस्सा है मार्केट, बाकी इससे ज़्यादा मार्केट कुछ और भी नहीं है। ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, इससे ज़्यादा मार्केट आपने अगर मान लो समझ लिया तो आपको लॉस बुक होना शुरू हो गया। लेकिन मान लो कि आपने ये सोच लिया और समझ लिया कि नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति ज़्यादा है और शक्ति आपके अंदर समा गई है, जिसको कहते हैं टेलीपैथी, माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और 14 और जो बोलते हैं लॉज है, जो यूनिवर्सल लॉ है। अगर यूनिवर्सल लॉ के बारे में नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी है कि कितने लॉ है यूनिवर्स के, वो सारे की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी सारे मोटिवेटर जो बोल चुके हैं। तो यहाँ पर एक और मोटिवेटर जो आपके सामने आया, विजय भुगलाल कोतापकर, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं करता है, मोटिवेशन के साथ आपकी जेब के अंदर फंड कैसे आए ना, उस पर कोशिश कर रहा है। देखो, पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है, इतना मैं आपको बता दूं पहली बात। तो पैसा जो कमाने के लिए कोशिश करता है, वो इंसान क्या सोचता है पता, कि 15,000 रुपया हर महीने होगा तो 15,000 रुपया मेरा गुजारा चल जाएगा। तो उसको 15,000 से 1 रुपया ज़्यादा कोई प्रकृति देने वाली नहीं है, और प्रकृति के देने पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, ये आपको पता है। जैसे एक बीज का बोना और काफ़ी सारे पत्तों का और फलों का उगना, तो फिर छोटा क्यों मांगे। तो इस ब्रेन की जो विशालता है ना, इस विशालता को आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, जिसको कहते हैं ज्ञानदीप माइंड पावर का कॉन्सेप्ट। मेडिटेशन पर ले जाकर, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से ले जाकर आपको बताना कि मार्केट कहाँ जाना है। तो ये मेरे ग्रुप के अंदर एक पुनीत अरोरा करके जी है, तो इन्होंने मुझे पूछा था सर कि ये 46 रुपये की कॉल चल रही है, तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ। मैंने इनको इतना बता दिया कि 91 रुपीज़ का टारगेट है, मतलब 89 रुपीज़ पर इसकी क्लोजिंग होती है, और जो 19 होता है, ये 19 यानी 91 होता है, इसका उल्टा है ना, इसकी ऐसे होती है, जिसको कहते हैं 18 रुपये लोअर। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये 89 रुपीज़ का टारगेट जब ओपन हुआ था ना, तभी हीट हो गया था, और 18 रुपये का लोअर जो है ना, 12:20 को ये लोअर आ गया था, यानी मैंने लोअर दिया था 16 रुपया और 89 पैसा का लोअर दिया था, और 18 रुपये लोअर आके सीधा 25 पे चला गया था, और 35 पे भी चला गया था। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सस्टेन लिखा है 50 रुपया, 60 रुपया, ये सारी की सारी एवरेज प्राइस है, और एवरेज प्राइस है ना आउट द मनी के अंदर, जिन्होंने ये स्ट्राइक को बाई करके रखा है एडवांस के अंदर, उनसे प्रमोटर है सारे प्रीमियम ले लेंगे, और प्रीमियम लेने के बाद में जब आप लोग लॉस बुक करोगे ना, तब जाके उस प्रीमियम में हाई मिलेगा, यानी इस तरह का बाय। अभी कौन सा प्रीमियम ऐसा चल रहा है कि जिसका प्रीमियम 42-43 रुपया चल रहा है, तो मेरे ग्रुप में मैंने दिया, तो मेरा ग्रुप जो उसके पास लेके आता हूँ मैं आपको, और वो स्ट्राइक आनी है नहीं आनी है उस पर बात नहीं करनी है, लेकिन उसका प्रीमियम जो अंडर वैल्यू एसेट्स हो गया उस पर आप बात करता हूँ मैं। 46,600 CE जो है, देख लो, ये अगर नहीं भी आया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी प्राइस अगर मान लो दुगना प्रॉफिट देती है सेटलमेंट के हिसाब से, तो भी मान लो आपके खाते के अंदर 50% का प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको कहते हैं 100% प्रॉफिट। 42 पे लिया और 89 पर सेल कर दिया। तो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने एजुकेशन पर्पज़ दिया कि 46,600 20 सितंबर राइट डाउन इन द बुक 42 लोअर, ये सभी सी दूंगा प्रॉफिट सीधा 89 टारगेट। डबल बॉटम अगर लॉस बुक करना है तो 30 रुपीज का लोअर, जहां पर बॉटम डबल बॉटम 30 रुपीज लोअर होता है। कहने का मतलब कि FII ने नीचे 30 रुपीज पर भी डिमांड जोन रखा हुआ है और 89 पर सप्लाई जोन रखा हुआ है। अब ये सप्लाई जोन डिमांड जोन ये क्या होता है ना, ये समझ लो कि आपको सीखना है तो मेरे ग्रुप के अंदर आइए और सीखिए। जिसके लिए मेरा मेरा नंबर जो 9913090758, यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके रख दिया है। कुछ लोग जो होते हैं ना, ये सोचते हैं कि यार कि सर जो है ना, आप कुछ क्लेरिफिकेशन करो तो मुझे पता चले, क्लेरिफिकेशन मतलब कि कुछ क्लियरिटी करो तो पता चले। तो मैंने उनसे कहा, देखो भैया, मैं यहाँ पर कॉल प्रोवाइडर नहीं, पहली बात तो, और ना से भी रजिस्टर हूँ, इतना जरूर बता दूँ कि मैं आपको जो सिखाऊंगा उसी में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट मैंने दिया उनको, ये 312 पे मैंने बाइक का ऑर्डर दिया था, टारगेट 307 दिया था, 370 दिया था, 380 किया, 400 रुपया ब्रेकआउट देगा ये भी कहा था, और 405 को ईडी भी किया। ये मैंने कॉल नहीं दिया हुआ है, जस्ट मैंने अपडेट दिया है कि भैया पुट की एसएल खाने का समय, कॉल की एसएल खाने का समय आ गया,
और कॉल में जितने भी लोग पड़े हैं ना, जो एंट्री लिए हुए ना, उनकी एसएल खाया गया, बहुत लंबी चौड़ी एसएल खाने वाला है, जिसके लेवल के बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया था। कल ही मैंने बता दिया था 45,352 का एसएल खाने का पॉइंट मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कल ही बता दिया था। उसके बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे कोई ऐसी कॉल दो, बोला कॉल नहीं देता हूँ भाई साहब, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भैया ये कॉल जो है ना इतनी एसएल खाएगी। तो ये कॉल जो थी बैंक निफ्टी की, जब 146 पे इसकी पुट चल रही थी, मैंने इसका बता दिया भैया 186 से इसका फायर है, बिकॉज क्या है ना, कॉल में जितने पड़े उन लोगों के एसएल यहाँ पे हिट होने वाली है। उसके बाद में ये स्ट्राइक जो है 146 की स्ट्राइक है, 89 का लोअर या 91 का लोअर देने वाली। लोअर का मतलब ये हुआ कि पुट का लोअर का मतलब क्या होता है कि कॉल का उड़ना, यानी जो 43 रुपये का 46,600 जो है ना, वो 49 रुपीज़ हो जाए, वो 89 रुपीज़ हो जाना, यानी इसका 91 रुपीज़ हो जाना। तो कहने का मतलब कि भैया कौन सी कॉल डिमांड जोन की और कौन सी कॉल सप्लाई जोन की, अगर सीखना हो तो मेरा नंबर जो है राउट डाउन जो है ना नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सप्लाई जोन डिमांड जोन के प्रीमियम बताए जाएंगे, जिस प्रीमियम को लेकर आप मिनिमम 50 से 80% तक कमा सकते हो, और दो ट्रेड लेकर आप आराम से बैठ सकते हो, बराबर। तो ऐसे ही कुछ हुआ, यहाँ पर 163 और 175 का यहाँ पर हाई मिला, अच्छा खासा हाई मिला, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। 182 का उसको और प्रॉफिट मिला, कहने का मतलब तो यहाँ पर और प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब जो रही थी बात पुट की, फिर निफ्टी का शेर खान में से निकला कॉल। अब शेर खान में से जब कॉल निकलता है तो फिर निफ्टी उड़ती है, लेकिन ये नहीं पता है किसी को, जब ब्रोकर लोग कॉल देते हैं ना तो कॉल की एसएल पहले जाती है, यानी जब ब्रोकर लोग इतने बड़े बड़े ब्रोकर जो है ना ये कॉल देते हैं ना, तो समझ लो जब कॉल दिया वो कॉल उड़ने वाली होती है ना, तो उस पर रेविवेटेड हो जाता है और मार्केट को है ना पता चल जाता है, नहीं सेलर्स को पता चल जाता है कि हमको कॉल उड़ाने वाले, तो बहुत सारे लोग इसमें बैठ जाते हैं। समझो आपके 20 पॉइंट के अंदर भी लोगों का बीपी हाई हो जाता है, लोग लॉस बुक कर लेते हैं। तो आप विचार करो कि इसका मैंने पुट का टारगेट, मैंने जब उन्होंने कॉल दी ना, जब शेर खान ने जब कॉल दी, तो मैंने क्या किया पता है आपको, 20,250 का जो पुट है ना, 98 से लेकर 107 का मैंने टारगेट दे दिया, ये 107, यानी आप लोग है ना पुट को कमाओ, यानी एसएल को कमाओ। ऐसा नहीं कि कॉल में किसी ने दे दिया तो कॉल खड़े कर खड़े रह गए। अगर मान लो ऐसे ही कोई ब्रोकर लोग आपको कॉल लेने के लिए खड़े रह गए, बोल दे बोलेगे ना उसके बाद में कॉल तो हिट होने वाली है, मैं ये नहीं बोल रहा क्वालिटी, लेकिन वो आपके पैसे से, यानी करोड़ों खरबों लोग जो जानते नहीं मार्केट को, उन लोगों की ऐसे लीड हो गई, उसके बाद में वो गया कॉल के अंदर, तो उसमें कौन सी बड़ी नबाई होगी मुझे बताओ। चलो भैया पैसा तो आपका डूबा ना, जिनका बीपी हाई हो जाता है, जिनका शुगर हाई हो जाता है, मार्केट अंदर 20 पॉइंट नीचे आने से लोग लॉस बुक कर देते हैं, तो उनको कितना बड़ा सदमा लगता है पता है आपको मार्केट को। तो उनका प्रीमियम लेकर अगर मान लो ये 55 का लोअर दे रहा है, यहाँ पर अगर मैं बता रहा हूँ 55 का लोअर, लेकिन ये इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होता, इसको कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग। 107 को हिट हुआ भी सही, ये देख लो, उसके बाद में ये जो कॉल है ना, ये कॉल इसके बाद में मैंने एक कॉल ली थी, और ये कॉल का टारगेट मैंने 127 दिया, ये कॉल का टारगेट, यानी फिर निपटी ही कॉल, जो कॉल वो ब्रोकर ने दी थी वही कॉल मैंने दी, लेकिन मैंने बोला कि भैया एसएल को पहले कमा लो, एसएल को कमा लेने से कम आपकी एसएल तो हिट नहीं होगी ना, तो एसएल को कमा लिया। बाद में ये कॉल जो है ना 135 गई और 136 गई, ये वाली कॉल, यानी कहने का मतलब क्या है कि मेरे ग्रुप के अंदर अगर आप जुड़ते हो तो आपको क्लेरिफिकेशन मांगने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो, दूसरा कॉल मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी अपडेट दी जाती है ना वो पूरी की पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ, माइंड पावर के साथ दी जाती है, जिसका ब्रह्मांड के सामने जो लेवल है शून्य लेवल है, यानी कहने का मतलब मार्केट का कोई लेवल नहीं है इस ब्रह्मांड के सामने, बहुत छोटा लेवल है मार्केट का, तो इसको इतना बड़ा नंबर बनाओ, पहली बात तो इतना समझ लो, अगर मार्केट को मान लो बहुत बड़ा बना लिया ना आपने, तो समझ लो कि मार्केट जो है ना आपके पेमेंट ले लेकर वो हाई देता रहेगा। मार्केट कहाँ जाना है नहीं जाना है ये सब बात की बातें होती है, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकली मार्केट को आप समझ लो, मार्केट की सेलर्स की जो एक कैंडल के अंदर भाषा होती है उसकी आप समझ लो, और दूसरी चीज़ है कि आप इकोनॉमी को समझ लो, तो समझ लो कि मार्केट आपके हाथ में रहेगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं एडवांस लेवल के अंदर मार्केट जिसको कहते हैं डेटा साइंस रिसर्च, तो डेटा साइंस रिसर्च ये कहता है कि 46,000 का सी का लोअर मैंने पहले से लिख दिया था, यहाँ पे 18 रुपये का लोअर आना है, और इसका टारगेट 72 रुपीज़ का इसका पिवोट है, और इसका टारगेट जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो इस तरह से मैं ढूंढ लेता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिनको बोला था कि भैया मार्केट नीचे आएगा यानी पुट रिट्रेस होने वाली है, तो ये भाई साहब ने जो 90 रुपीज़ का जो यानी जो कॉल उड़ी थी उसके बाद में पुट ली, तो पुट के अंदर इन्होंने 92 रुपीज़ का यहाँ पर
टारगेट अचीव कर लिया और बुक कर लिया। मैंने बोला यहाँ पे बुक कर लो बिकॉज कि आपका जो प्रीमियम है ना 45 रुपीज़ लोगों को देने वाला है, क्योंकि पीवोडी 45 रुपीज़ का पीवोड है। तो पीवोड के अंदर कैसे समझना डीजी को, टारगेट के अंदर कैसे समझना, आपने कितना कमाया उसके अंदर कैसे समझना, ये सारा का सारा एक ऑब्जेक्शन पार्ट है। और मार्केट है ना कोई गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट कोई जुआ नहीं है। अगर मार्केट जुआ होता ना तो ये मैं इतनी आसानी से कभी बोलता नहीं मार्केट के बारे में, पहली बात मैं आपको बता दूं। तो आप है ना करो कुछ नहीं, यहाँ पर सीखे पहले। यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लेवल मैंने पहले से ड्राइंग कर दिए थे, 20,225 का जो अप ट्रेंड है और 19,696 का जो डबल बॉटम एसएल पॉइंट है। तो मार्केट इसके बीच में यानी ट्रेडिंग कर रहा है, कहने का मतलब। तो ये कुछ होता है इस तरह से ट्रेडिंग करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने डेटा साइंस रिसर्च के हिसाब से 45,350 का सपोर्ट मैंने बताया हुआ है, जहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आया है। यानी 89 का जो हाई जो ऊपर ओपन हुआ था मार्केट, और सीधा का सीधा उसी प्रीमियम को 18 रुपये लोअर कर दिया, तो वो 18 रुपये को लोअर जो 25 रुपये लो 35 रुपये हाई किया था, और 35 रुपये का हाई वापस से 18 रुपये पे चल रहा है। यानी 46,000 के कॉल को जो बार बार दबा रहा है, उसी 46,000 के कॉल को लोग जब भाग जाएंगे ना, जब निकल जाएंगे ना, तो उसी कॉल को लेकर सीधा 72 का हाई दे देगा। इसको कहते हैं नहीं 72 करना दे, तो 57 और 67 का तो हाई दे देगा। यानी कहने का मतलब कि वहां पर जो लोग को मार्केट आता है वो फ्यूचर एक्सपायरी में जाकर यानी 20 सितंबर में जाकर कॉल लेके उनका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं डबल टॉप। अभी मार्केट इस रेंज में चल रहा है 45,525 के ट्रिपल टॉप पे चल रहा है, यानी एक टॉप है, दूसरा टॉप है, यहाँ पर तीसरा टॉप है, यहाँ पर मार्केट चल रहा है। देखो मैं आपको मेरा इंडेक्स नहीं दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, अगर मान लो वो दिखाने जाऊंगा ना तो ये मिसिंग हो जाएगा पहली बात तो, बिकॉज के डेटा साइंस रिसर्च तो यहाँ से निकलता है ना, हमारे ग्लोबल इंडेक्स से निकलता है। तो ये कैसे सर्च करता हूँ मैं, ये कैसे सीखता हूँ और सिखाता हूँ प्रे ओपन मार्केट के अंदर, बिफोर मार्केट के अंदर कैसे मुझे पता चल जाता है कि इतना ही हायर देगा और इतना ही लोअर देगा। ये अगर सीखना चाहते हो तो मेरा जो नंबर है ना ड्राफ्ट में लिखा हुआ है 991309758, तो यहाँ से आप मेरा नंबर लीजिए और व्हाट्सएप पर आइए और बताइए कि कौन से लिंक्स और कौन से रेफरेंस से आप, अगर मान लो यूट्यूब से आए तो यूट्यूब से लिखिए, किसी ने मेरा अगर नंबर आपको रेफरेंस किया है तो उसका नाम लिख दीजिए ताकि मैं उसे थैंक्स कह पाऊँ। बराबर, देखो मार्केट के अंदर है ना कमाने वाले बहुत लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, अगर मगर तगर वाली बात करके कि भैया इसके नीचे गया तो पुट लेना, इसके ऊपर गया तो सील लेना। लेकिन अर्जुन का जो लक्ष्य होता है, जैसे अर्जुन है ना पीछे की तरफ बाण खींचता है, तो बाण का मतलब कि 18 रुपये लोअर 46,000 सी का टारगेट, लोअर टारगेट 18 रुपया, और उसका जो फ्यूचर टारगेट था जैसे 89 का उसका हाई, तो अर्जुन का उसका लक्ष्य था। तो ये मेरे ग्रुप के अंदर जो लोग मेरे पास सीखने आते हैं ना, उन लोगों को ट्वीट किया नहीं इस तरह से, बोलते हैं ना कि जैसे कुछ अलग तरीके से मार्केट को समझाना, और ये प्रॉफिट उसी हिसाब से निकल कर आते हैं। यहाँ पे जैसे 3,000 प्रॉफिट निकल के आया, मैंने बताया था कि भैया 105 की एसएल है और 105 की एसएल के बाद में कॉल उड़ने वाली है, तो ये इन्होंने क्या किया पता है, 105 की एसएल पर आया ना तभी जाके बाई कर लिया और तुरंत के तुरंत प्रॉफिट 111 पे बेच दिया। यानी उतनी देर के अंदर जो लॉट लिए थे 41 लॉट लिए थे, 41 लॉट के अंदर 3,000 रुपये, अगर मान लो रुके होते ना थोड़ी देर तो कम से कम इनको 8 से 10,000 प्रॉफिट होता। कहने का मतलब कि आप लोग सीख कर ट्रेडिंग करें, मार्केट में बहुत पैसा है ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन उस पैसे के बारे में आपके पास इकोनॉमी का नॉलेज कितना है ये बहुत होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कुछ जवाब देता हूँ इन लोगों को, जैसे कि भैया जैसे कि ये जीजी इंजीनियरिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और इस वीडियो के अंदर मैंने इतना बता दिया था पहले ही कि मार्केट के सिर्फ हायर लोअर हायर देना जरूरी नहीं है, मार्केट के लोअर भी देना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर कम से कम 700 लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, और ये वीडियो जो है ना बहुत फेमस हो चुका है, बिकॉज के यहाँ पर मैंने ऊपर के टारगेट दिए ही नहीं है। मैंने बोला प्रमोटर जो है ना अपना होल्डिंग छोड़ता रहेगा, बेचता रहेगा बेचता रहेगा, यानी रिटेलर से अपना बाइंग करता रहेगा, रिटेलर छोड़ता रहेगा वो प्रमोटर बाइंग करता रहेगा, यानी सप्लाई जोन की तरफ मार्केट ले जाना, रिटेलर को थका देना, रिटेलर के होश उड़ जाने, रिटेलर उड़ना यार छोड़ जाते स्टॉक को बेच दे। अब जीजी इंजीनियरिंग में लिया बड़ा ऑर्डर और वो बेच रहा है अपनी होल्डिंग, क्यों बेच रहा है भैया कि पब्लिक के पास जो स्प्लिट हुआ शेयर है वो सारा का सारा ले ले। तो इसी तरह आपसे प्रीमियम बाय किए जा रहे हैं, इसी तरह आपके ऑप्शन प्रीमियम भी बाय किए जा रहे हैं। तो आपको अगर डिग्री में सीखना हो ना तो डिग्री के अंदर मैं मार्केट में सिखाता हूँ, और कुछ ऐसी कहानियों के साथ सिखाता हूँ कि जो कहानियाँ आपने कहीं सुनी है बचपन के अंदर, और सारी सारी कहानियाँ आपने देखी है। तो ये कुछ वीडियो है मेरे यूट्यूब के अंदर, ये आप देख सकते हो अतीत के वीडियो है, और ये कॉल जो है ना इस कॉल के बारे में जरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये 198 यानी 175 पर बाय का सिग्नल मैंने दिया था 20 सितंबर यानी गए महीने के अंदर, यानी जब ये मंथ शुरू हुआ था ना 1 तारीख को, तभी मैंने सिग्नल दे दिया था। ये कॉल जो है ना 880 के करीब ये कॉल गई, 840 के ऊपर भी ये कॉल गई है, कहने का मतलब।
तो ये कॉल मैंने बहुत लॉन्ग कॉल दी थी, और अगर ऐसी लॉन्ग कॉल लेना चाहते हो मार्केट के अंदर, जिसे कहते हैं कि 5% 10 कमा कमा के बाहर निकला, कमाना है तो 300 400% कमाना है, जिसको कहते हैं होल्डिंग वाली पोजीशन कौन सी है भैया मुझे बताओ, तो मैं उसमें अच्छा खासा पैसा बना पाऊँ और मैं सीख भी पाऊँ। देखो सीखोगे तो ज़्यादा कमाओगे, अगर मान लो नहीं सीखा है ना तो डर के मारे जो छोटा छोटा पेमेंट है ना वो तो मिलता ही रहेगा मार्केट के अंदर। तो आशा करता हूँ सीख कर ट्रेडिंग करें, ऐसी ट्रेडिंग ना करें पहली बात तो। और मार्केट में रुपया करके जब किसी के पास गर्भ ज्ञान हो ना तो उसका टेस्टिंग नहीं करना चाहिए, पहली बात मैं आपको बता दूं। अगर टेस्टिंग करने के लिए जाओगे, ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाओगे तो वक्त आपका बर्बाद होगा, इसलिए आपका वक्त बर्बाद ना हो ना इसके लिए करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ और सीखो इसको। इस सेशन को बहुत मज़े से लो, आनंद से लो, इसको स्पिरिचुअली लो, और तर्क वितर्क को बुद्धि से दूर करो पहले, क्योंकि बुद्धि जो होती है ना बहुत तर्क वितर्क करती है हमारी, और बहुत चालाक होती है बुद्धि। बुद्धि क्या बोलती है देखे तो सही, पहली बात तो कि इंसान कैसा है, अरे देखे तो सही पहले इसकी कॉल कैसी जाती है, ये भैया यहाँ पर एसएल कमा के दिए मैंने, और इसी तरह टारगेट कॉल का दिया और कॉल में भी कमा के दिया, मतलब कि एसएल कोई कमा के देता नहीं, एसएल लगाने का लोग बोलते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट नहीं जानते, आप मार्केट का गर्भ ज्ञान जानते हो, और वो कैसे चलता है, वो इकोनॉमी का जोन जो कैसे चलता है ना वो आप जानते, और वो जो होता है ना वो ऐसे ही नहीं आता है, वो आता है एक मेडिटेशन लेवल से आता है, वो आता है तपस्या से आता है, और काफ़ी सारे फैक्टर उसके अंदर काम करते हैं। तो ऐसे इंसान की है ना कभी कसौटी नहीं लिया करते, क्योंकि जब हमें नहीं आता है तो हम किसी की कसौटी ले रहे हैं, पहली बात तो इतना समझ लो, ये सत्य को स्वीकारना पड़ेगा आपको। हमें नहीं आता है तब जाके हम किसी की कसौटी कर रहे हैं, तो पहले हम उस लायक तो बन जाके किसी की कसौटी ले। एंट्री पे एंट्री लेने वाला इंसान है ना सामने जब बैठता है ना, तो वो उस लायक होता है कि जो इंटरव्यू लेकर किसी भी जॉब सप्लाई कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले कोई कुछ नहीं आता है मान लो मार्केट के अंदर, तो वो कैसे भला किसी का इंटरव्यू ले सकता है। इतने कंटेंट के अंदर अगर मान लो कोई बुरा लगा ना तो माफ करना, लेकिन इतना बता दूं मैं जरूर कि सच्चाई है ना सच्चाई होती है, इस पर आप लेख रहे हो और मेख नहीं मार सकते। तो इसको सीख कर ट्रेडिंग करे, ऐसे ट्रेडिंग ना करे। थोड़े कट्टु वचन जरूर निकल जाते हैं मेरे मुंह से, लेकिन वो इसलिए निकलते ना कि लोग है ना वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर वक्त ही पैसा है, इसलिए पहले बोलता हूँ कि डेयरिंग तो करना पड़ेगा, मार्केट में जंप तो मारना पड़ेगा, अगर जंप मारोगे नहीं तो मार्केट को सीखोगे नहीं कि मार्केट से कैसे बाहर निकलता है, ये चक्र से कैसे बाहर निकलता है, वो मेरे ग्रुप के अंदर आपको सीखने मिल जाएगा। थैंक यू, दिनेश, शुक्रिया पर, जय हिंद, जय भारत।